मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ। और आज हम मना रहे हैं हमारे एवरग्रीन एक्टर, हमारे सुपर कूल सुपर टैलेंटेड एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल की हैप्पी बर्थडे। और आज इनके खास जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताने वाले हैं जिनसे शायद आप अब तक अनजान हैं। जी हाँ, पंजाब के फगवाड़ा जिले में जन्म लेने वाले हमारे धर्मेंद्र सिंह बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि बॉलीवुड जगत में उनके महान योगदान के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो चलिए आज उनके बर्थडे के मौके पर हम आपको उनकी लाइफ से जुड़ी ऐसी कुछ और दिलचस्प बातें बताते हैं जिसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर धर्मेंद्र की कहानी तो आपने कई दफ़ा सुनी होगी, लेकिन आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम आपको धर्मेंद्र से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं जिनसे शायद आप अब तक अनजान हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। अगर बात की जाए उनके निकनेम की तो निकनेम के तौर पर उनके घर वाले और दोस्त प्यार से उन्हें धर्म गरम धर्म ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहकर भी बुलाते हैं। तो वहीं अगर बात हो धर्म यानी कि आपके प्यारे धर्मेंद्र देओल के फिल्मी सफ़र की तो वो बतौर फिल्म एक्टर प्रोड्यूसर और फॉर्मर पॉलिटिशियन के तौर पर भी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं धर्मेंद्र के फिजिकल अपीयरेंस की तो ब्राउन कलर की आंखों के साथ ब्लैक कलर के हेयर से उनकी पर्सनालिटी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यंग और डायनामिक नज़र आती है। 8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र पंजाब के लुधियाना शहर के खन्ना तहसील और नसराली विलेज से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए धर्मेंद्र के होम टाउन की तो इंडिया के पंजाब और लुधियाना शहर के सनहेवल गाँव उनका होम टाउन बताया जाता है। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की स्कूलिंग की तो आपकी जानकारी के लिए बता दें धर्मेंद्र ने पंजाब के लुधियाना से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है और उनका कॉलेज इंटरमीडिएट आरजी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब जाना जाता है। तो वहीं अगर बात की जाए धर्मेंद्र देओल की हायर एजुकेशन की तो उनकी हायर एजुकेशन बताई जाती है 12th स्टैंडर्ड। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की। अब बात करते हैं धर्मेंद्र की फिल्मी करियर की शुरुआत की तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र ने एज ए एक्टर 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे मूवी से अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर अपने बेटे को लेकर लॉन्च करने के लिए बनाई फिल्म बेताब से एज अ प्रोड्यूसर का काम शुरू किया। और पंजाबी फिल्मों में अगर उनके अभिनय की बात की जाए तो बतौर एक्टर कनखन दे ओहिल जो कि 1970 में बनी थी इस फिल्म के ज़रिए उन्होंने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाई। तो वहीं अगर बात की जाए टेलीविज़न पर उनके डेब्यू की तो इंडियाज गॉट टैलेंट में उन्होंने मेल जज बनकर कलर्स टीवी चैनल पर साल 2011 में हर किसी को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन भी किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र एक सिक्किम परिवार से बिलोंग करते हैं और उनकी कास्ट जाट है। तो वहीं वो नॉन वेजिटेरियन है और पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से उनका गहरा नाता रहा है। इसी के साथ अगर बात की जाए धर्मेंद्र की हॉबीज़ की तो साइकिलिंग करना, घूमना फिरना और मूवीज़ देखना उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और धर्मेंद्र के जन्मदिन के मौके पर आपको बताते हैं उनको अब तक की मिली लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट और अवार्ड्स की। आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ईयर 1991 में धर्मेंद्र को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट फॉर घायल प्रोड्यूसर के तौर पर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और इतना ही नहीं उन्हें फिर 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए भी नवाजा गया था। फिर साल 2007 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से धर्मेंद्र की लाइफ को नवाजा जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए धर्मेंद्र से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें उनके अफेयर्स और लाइफ स्ट्रगल के बारे में तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि जहां उनका अफेयर मीना कुमारी एक्ट्रेस 1960s के दौरान उनके अफेयर की खबरें काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों पर चली थी तो वहीं 1970s के मिड से लेकर अभी तक उनका नाम खूबसूरत बॉलीवुड ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ जोड़कर देखा जाता रहा है। हालांकि धर्मेंद्र ने दो शादियां की है
जहां उन्होंने अपनी पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर से की, तो वहीं 2 मई 1980 में खूबसूरत एक्ट्रेस हेमा मालिनी से भी की। इसी के साथ अगर बात की जाए धर्मेंद्र की फैमिली की, तो जहां उनके बेटे सनी देओल हैं और उनके बेटे अजय सिंह देओल हैं, तो वहीं बॉबी देओल धर्मेंद्र के काफ़ी ज़्यादा आज्ञाकारी बेटे के रूप में जाने जाते हैं। तो वहीं बात की जाए डॉटर्स यानी कि उनकी बेटियों की, तो धर्मेंद्र के पास 4 बेटियां हैं, 2 हेमा मालिनी से और 2 उनकी पहली पत्नी से। हेमा मालिनी से ईशा देओल, अहाना देओल उनकी बेटी के तौर पर जानी जाती हैं, तो वहीं उनकी पहली पत्नी से विजेता देओल, अजीता देओल उनकी रियल डॉटर्स के तौर पर जानी जाती हैं। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र की फेवरेट चीज़ों की अगर बात की जाए, तो धर्मेंद्र के फेवरेट डायरेक्टर हैं अर्जुन हिंगुरानी और उनके फेवरेट एक्टर हैं बॉलीवुड में गुरुदत्त और दिलीप कुमार साहब। बॉलीवुड में अगर धर्मेंद्र को कोई खूबसूरत हीरोइन लगती है तो वो थी सिर्फ नूतन और सुरैया। तो वहीं गाने के बेहद शौकीन धर्मेंद्र को सिंगर्स में लता मंगेशकर, किशोर कुमार के गाने सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और अगर बात की जाए धर्मेंद्र की फेवरेट फिल्म की, तो 1949 में आई फिल्म दिल लगी उनके दिल में खास जगह रखती है। इसी के साथ आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर धर्मेंद्र ने जब अपनी पहली फिल्म साइन की थी तब उन्हें कितनी कमाई मिला करती थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब दिल भी तेरा हम भी तेरे सनी देओल ने साइन की थी, तो खबरों की माने तो उन्हें सिर्फ 51 रुपये देकर ही साइन कर लिया गया था। जहां हीरो की भूमिका के लिए सनी देओल को साइन किया था, तो वहीं पहली फिल्म में उनकी एक्ट्रेस कुमकुम थी। हालांकि पहली फिल्म से कुछ खास पहचान धर्मेंद्र को नहीं मिल पाई, इसीलिए आगे कुछ सालों तक उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन स्ट्रगल के बावजूद भी वो जुहू में एक छोटे से कमरे में रहा करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने हालात से हार नहीं मानी और आज वो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक हैं। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र ने अपने करियर में अब तक 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें अलग अलग जॉनर की फिल्में शामिल हैं, जैसे कि फिल्म अनपढ़, बंदिनी, सूरत सीरत और ऐसी कई खास फिल्मों के लिए उन्हें जाना जाता है, क्योंकि इस फिल्म में उन्हें एक अलग ही प्रदर्शन करके लोगों के दिल में खास जगह बनाने का मौका मिला। वहीं अगर बात की जाए धर्मेंद्र के पापा की, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि धर्मेंद्र के पिता एक स्कूल के हेडमास्टर थे, इसीलिए उनके घर में शुरू से ही डिसिप्लिन का माहौल था। अपने गांव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घर में सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी थी और इससे वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने तभी से अपने करियर फिल्म इंडस्ट्री में बनाने का फैसला कर लिया था। इसी के साथ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि कुछ सोर्सेस की माने तो धर्मेंद्र ने लगातार 40 दिनों तक रोज़ाना दिल लगी फिल्म देखी थी और इस फिल्म को देखने के लिए उन्होंने मीलों पैदल का रास्ता भी पूरा किया। धर्मेंद्र को जब पता चला कि उन्हें फिल्म फेयर नाम की पत्रिका में नई प्रतिभा की खोज कर रही है, तो उन्होंने भी उस मैगजीन में फॉर्म भर दिया ताकि उनकी किस्मत भी शायद सुरैया की तरह चमक जाए। इसी के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि धर्मेंद्र ने कहीं से भी एक्टिंग का कोर्स नहीं किया, इसके बावजूद वो तमाम इम्प्रेसिव और पॉपुलर एक्टर्स को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को उस लिस्ट में शामिल कर चुके हैं जिनके पास तक आना आज के जनरेशन के एक्टर्स के लिए वाकई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसी के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि धर्मेंद्र को गाँव से जुड़े रहना बेहद पसंद है और वो अपनी असल ज़िंदगी में कुछ लम्हे अपने गांव में अपनी फैमिली के साथ बिताना पसंद करते हैं। इस बात में तो कोई डाउट नहीं कि धर्मेंद्र हमारे बॉलीवुड के उन कुछ चुनिंदा शख्सियत में से एक हैं जो सिर्फ एक्टिंग फील्ड में ही नहीं बल्कि एक हर एक फील्ड में वो अपना नाम एक अव्वल किस्म के खूबसूरत एक्टर के तौर पर शुमार कर चुके हैं। जहां वो अपने बेटों को ऑफ कैमरा ऑन कैमरा सपोर्ट करते आते हैं नज़र, तो वहीं ग्लैमर वर्ल्ड से दूर इन दिनों वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं अपने गांव अपने खेत खलिहानों में। वेल, आपको कैसी लगी धर्मेंद्र की ये पर्दे पर स्पेशल स्टोरी, हमें कॉमेंट के जरिए ज़रूर बताएँ। साथ ही अगर आप भी धर्मेंद्र को विश करना चाहते हैं उनका हैप्पी बर्थडे, तो हमें जल्दी से लिख भेजें नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स पे। इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।